कुछ महीनों पहले प्रदेश की राजनीति में एक डर्टी पॉलिटिक्स के नाम से जिस कांग्रेस एमएलए को बीजेपी जोर शोर से हमला कर रही थी, अब वही कांग्रेस एमएलए हेमंत कटारे ने बीजेपी पर इमोशनल कार्ड से हमला बोला है। उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर कथित रेप का झूठा आरोप था और जिसे बीजेपी के नेताओं यानी कि सरकार और अरविंद भदौरिया ने लगवाया था। इसके साथ ही ये भी कहा कि छात्रा से जेल में मिलने के लिए बीजेपी के मंत्री जाते थे, साथ ही उसका सेक्सुअल हैरेसमेंट करते थे। कांग्रेस विधायक हेमंत कटारे के आरोप यहीं तक नहीं रुके। उन्होंने कहा कि आज तक के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब जेल के अंदर से एफआईआर लिखी गई हो, जिसका मजमून बीजेपी के नेताओं ने तय किया था। इसके साथ ही हेमंत कटारे ने यह भी कहा कि उपचुनाव जीतने के बाद बीजेपी ने उनके 25 से 30 लोगों पर झूठे मामले दर्ज करा दिए। वहीं अब हेमंत कटारे इस पूरे मामले में जेल के सीसीटीवी कैमरे को सार्वजनिक करने की मांग कर रहे हैं। वहीं बीजेपी इस केस में किसी तरह की राजनीति से इनकार कर रही है। व्यापम में इनकी पोल खुल चुकी थी तो इन्होंने बदला लेने के लिए पुलिस का उपयोग किया, और ऐसे कई लोग हैं, उनमें कुछ लोगों में खात्मे भी लगे, कुछ लोगों को जेल भी जाना पड़ा, लेकिन वो सारी चीज़ें ऑन रिकॉर्ड है। भाई कोई व्यक्ति छत्तीसगढ़ में बैठा उसको यहाँ भिंड में 307 लगा दी। भैया तुमने तो उनसे मेल मिलाप किया जाके, तुम्हारे वीडियो चैट्स हैं, तुम्हारे वीडियो मोबाइल पर बंधे हुए हैं, आनंद प्रकार का सब कुछ है, अरविंद भदौरिया का उसमें क्या रोल है? और मैं तो जनप्रतिनिधि हूँ, जनता के द्वारा मैं विधायक भी रहा हूँ, मैं लीडर हूँ, मेरे पास कोई भी आएगा मदद मांगने, मैं तो गरीब की मदद हमेशा करने के लिए तैयार हूँ।